एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। जब 16 लीटर मिश्रण को पानी की समान मात्रा से बदल दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा इनिशियल वैल्यू याद करना है। तो मिल्क और वाटर का जो है रेशियो 5:3 है, और 16 लीटर मिश्रण को पानी की समान मात्रा से बदल दिया जाता है तो नया रेशियो जो है 3:5 हो जाता है। दोनों का डिफरेंस सेम है, जैसे 3 है तो 5 है, 2 का परिवर्तन 5 है, 3 है 2 का परिवर्तन। ऐसी परिस्थिति में परिवर्तन कितना होता है पानी में? 2 का, और 2 की वैल्यू दिया है 16, तो 1 की वैल्यू 16/2 यानी 8 लीटर, और इनी टाइटल दूध की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है। तो जब प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा 5 है, तो 5 × 8 40 लीटर प्रारंभिक मात्रा थी। दूसरी तरफ ऐसे भी आप कर सकते हैं, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 का है तो नया रेशियो 3:5 का है। जब हम पानी में परिवर्तन करेंगे तो मिल्क की मात्रा सेम रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सेम नहीं है, सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 5 से करना होगा। जब यहाँ हम 5 से कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 से करना होगा, तभी इक्वल होगा, और यहाँ पर भी 3 से। तो नया रेशियो होगा आपका 15:9 और 15:25, यही रेशियो हो जाएगा आपका। तो 15:15 मिल्क का जो है इक्वल हो गया, और वाटर का चेंजेस हुआ 9 है, 25 है, 16। 16 का चेंजेस हुआ कितना? 16 की वैल्यू है 16, तो 1 की वैल्यू 16/16 यानी 1 की वैल्यू 1, 1 यूनिट की वैल्यू। अब पूछ रहा है कि इन्हें टाइटल वैल्यू प्रारंभिक मात्रा, तो आप इसको जोड़ देंगे 25 15 40, 40 × 1 = 40 लीटर। कैसा हूँ आप सवाल को हल कर सकते हैं। हर हाल में जो प्रारंभिक वैल्यू होगा वही आएगा।